वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जिस तरह आप सब संगतां नूं पता ही है कि पंजाब दे विच हर जगह ते आल इंडिया आल वर्ल्ड दे विच हर जगह जो सरकार ने सेंटर की सरकार ने कानूनी बिल जो पास किए हैं जो किसानों के हक के नहीं हैं उन्हां बिलों लैके किसानों के एक भारी रोस जो इंडिया के किसानों के भारी रोस जागया पाया आ कि यह जो बिल आ ये जड़े आ पास नहीं होने चाहिए रद्द होने चाहिए क्योंकि ये किसानों के हितों के नहीं हैं हकों के ते इस करके सारे पुरजोर अपील की जाती कि सारे किसान वीर के नाल खड़े होवो ता जो ये जड़े बिल आ सेंटर तो कैंसल करवाए जान ते जे किसान इस चीज़ के नाल सहमत भी है कि ये बिल जे पास ही रखने आ ते इहदे विच जिहड़ी आ एम एस पी जिहड़ी आ ओह नाल रखी जाए वह कैंसल ना की जाए ता जो किसी के नाल भी जिहड़ी आ ये मार ना पवे कि कोई मेहनत करके किसानी करता है क्योंकि किसान नू मेहनत बहुत ज़्यादा खेती दे विच करनी पैंदी आ। असीं भी गुरु घरां दी खेतियां करदे आं पता आ भी रात दिन मेहनत करनी पैंदी आ फिर जाके कितें उहदे विच अनाज पैदा हुंदा उह वी जे कुदरत मेहरबान होवे तां जे परमेश्वर वल्लों कोई बरसात जां कोई मौसम विगड़ जावे तां फसल भी मारी जांदी आ क्योंकि आप पातशाह निरंकार पिता गुरु नानक पातशाह जी ने आप अपने अखीरले समय दे विच करतारपुर की धरती के उपर उन्होंने आप खेती की आते संसार नू उन्होंने किते दे नाल जोड़िया कि किरत करनी वंड छकना ते नाम जपण का होका जिहड़ा बाबा नानक जी सानू सारे नू दे गए। गुरबाणी का फरमान है जिस तरह साहब जी फरमान करते हैं मन हाली किरसाणी करनी सरम पाणी तन खेत नाम बीज संतोख सुहागा रख गरीबी वेस पाओ कर्म कर जमसी सो घर भागट देख। कि जिस तरह किसान खेतों नू पहला चंगी तरह वाहुंदा आ फिर उस दे विच फसल बीजदा आ फिर फसल बीज के उस दे उपर सुहागा दिंदा कि जो ये दाणा जिहड़ा आ खलारिया कि पंछी ना चुग जाण फिर उस नू पाणी लाउंदा आ फिर उस दे विचो जिहड़ी ये फसल जिहड़ी पुंगरदी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पैंदी आ। आप ये गुरबाणी दीआं पंक्तियां सानू कुछ आत्मक जीवन दे नाल भी जोड़दियां ते कुछ दुनियावी पक्ष जिदा किसान जिहड़ा खेती करदा किन्नी मेहनत करदा उहदे परथाए जिहड़ी इत्थे पंक्ति लाई गई ये गुरु नानक पातशाह जी ने आप खेती कीती आ। सो साडी पुरजोर अपील है जिते जिन्हें भी साडे किसान वीर नौजवान बच्चे बच्चियां सारियां दे चरणां च बेनती आ कि वध तो वध पहुँच करके ते किसानां दे हक दे विच डटो ता जो ये कानूनी बिल जो पास होया इन्हां नू रद्द करवाया जाए। तो थोड़ा मैं हिंदी में बोलूँगा कि हमारे कुछ किसान भाई जो पंजाब के बाहर स्टेटों में रहते हैं उनको भी ये समझना होगा कि इन बिलों में ऐसा क्या है जिसकी वजह से पंजाब का किसान है जो समझ गया है कि अगर ये कानून पास हो गया तो इसमें निरा बर्बादी हो जाएगी हमारी। तो इनको भी जे समझ के उनका साथ देना चाहिए और सभी किसान एक मंच पे इकट्ठे होकर रल मिल कर हल्ला मार के जे जो कानूनी बिल जो आए इनको रद्द करवाए और MSP को चालू रखवाए। जे पुरजोर अपील है हमारी आप सब संघ से आप सब लोगों से कि एक बार जे सब मिल कर के इकट्ठे हो करके वहाँ पहुँच करके दिल्ली में या अपने अपने शहर में कल जो पूरा भारत बंद का सदा किसान वीरों ने दिया है जितना भी उन सब को जे मालूम पड़ना चाहिए कि जे हम लोग सब किसानों के साथ हैं क्योंकि किसान मेहनत करता है अनाज उगाता है तो ही हमारे तक पहुंचता है उसको उसकी मेहनत भी मिलनी चाहिए उसको उसका हक मिलना चाहिए। सो इतनियां बेनतियां प्रमाण है तो आप सब किसानों के साथ जुड़ो किसानों की हौसला अफजाई करो ता जो जे जो कानूनी जो बिल बने हैं इनको रद्द किया जाए। और हमारी सेंटर सरकार से भी यही बेनती है कि आप समझो अगर जिनके हितों के लिए आपने जो बिल बनाया अगर वो उनको भी समझ है इस चीज़ की वो अनजान नहीं है उनको भी मालूम है तो इसलिए वो विरोध कर रहे हैं तो आप भी समझो कि अगर जिनके लिए जो बनाए उनको ही मंजूर नहीं है तो आप इनको रद्द करके तो उनके हक में डटें तो चढ़ती कला में रहें सभी लोग। तो इतनी बेनती प्रवान वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।